नए साल में मांगलिक कार्यों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त कौन सा है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से 2023 का जनवरी माह आने वाले विगत कुछ समयों में प्रारंभ होने वाला है, तो ऐसे में विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए, मुंडन यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम तिथि व दिनांक कौन सी है वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि सही तिथि व दिनांक का आपको जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाए तो वह उत्तम फल देता है। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल में 17 जनवरी से शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश और उपनयन संस्कार जैसे मांगलिक कार्य पुनः दोबारा प्रारंभ होने जा रहे हैं। ऐसे में 16 दिसंबर 2022 से खरमास की शुरुआत हो चुकी है जो कि 14 जनवरी 2023 तक चलेगा। शास्त्रों के अनुसार बात करें तो खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना जो है वर्जित बताया गया है। खरमास में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जो है नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्जित है। और खरमास में शुभ कार्य करने से अनेकों प्रकार के अड़चन व बुरे दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। इनके खत्म होने के बाद आप अपने घर में व परिवार में शुभ कार्य कर सकते हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 की 17 जनवरी से शादी विवाह मुंडन उपनयन व शुभ कार्यों के, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों के पुनः योग जो है प्रारंभ हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे नए साल में 17 जनवरी से शुभ मुहूर्त कौन कौन से तिथि व दिनांक के दिन प्रारंभ हो रही है, तो पंचांग के अनुसार आप इसे नोट कर लें, 17 जनवरी 18 जनवरी 19 जनवरी 25 जनवरी 26 जनवरी और 27 जनवरी 30 और 31 जनवरी, यह जो दिनांक है इसमें शादी विवाह मुंडन और गृह प्रवेश जैसे कार्य आप कर सकते हैं। विवाह के लिए भी, मुंडन के लिए भी और गृह प्रवेश के लिए जो डेट हमने, दिनांक हमने बताया वह उपयुक्त है। दिनांक कौन कौन सा है दोबारा सुने, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30 और 31। यह जो दिनांक है यह विवाह मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त है। अब हम बात करेंगे फरवरी माह के लिए। वैसे तो फरवरी माह बहुत छोटा माह होता है, लेकिन फरवरी माह में कौन कौन से ऐसे दिनांक हैं जिस दिनांक पे विवाह आदि शुभ कार्य, मुंडन आदि शुभ कार्य किया जा सकता है, तो साल 2023 में फरवरी माह का जो मांगलिक कार्य करने का शुभ दिनांक है वह 1 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी और 22, 23 और 27, यह जो डेट है, दिनांक है, यह इन दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को आप कर सकते हैं, जैसे विवाह शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण व यज्ञोपवीत संस्कार जैसे शुभ कार्यों को इस दिनांक पे आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मार्च के महीने में कौन कौन से शुभ दिनांक जो है शुभ कार्यों के लिए निकल रहे हैं, तो जनवरी और फरवरी की अपेक्षा आपको मार्च के महीने में थोड़ा सा कम जो है समय प्राप्त होगा, कम मुहूर्त मिलेंगे। कारण क्या है कि इस माह में 15 तारीख से खरमास शुरू हो जाएगा। मार्च महीने में 15 मार्च से खरमास प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए उससे पूर्व के जो दिनांक होंगे जैसे 1 मार्च, 5 मार्च, 6, 7, 8, 9, 11 और 14 मार्च,
यह जो दिन है, दिनांक है, यह शुभ कार्यों के लिए उत्तम बताए गए हैं। कौन कौन से? तो 1 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 11 और 14 मार्च, यह जो दिनांक है यह शुभ कार्यों के लिए उत्तम बताए गए हैं। तो ऐसे में आज हम सभी जाने कि जनवरी, फरवरी और मार्च के कौन कौन से ऐसे दिनांक है जिसमें शुभ कार्य किया जा सकता है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राम।